नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। गोपाल कांडा के एक दांव ने बीजेपी के कई नेताओं को चारों खाने चित कर दिया। हम बात कर रहे हैं नायब सैनी के द्वारा दिए गए एक बयान की, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और हालोपा पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कहना कि इस गठबंधन की चर्चा मात्र से ही भाजपा खेमे के अंदर खलबली मची हुई है, भगदड़ मची हुई, जबरदस्त भागदौड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद जिले के कई नेताओं को, कई मंत्रियों को अब अपनी टिकट कटने का डर सता रहा है, भय सता रहा है और अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में चर्चा करेंगे रणजीत चौटाला को लेकर, जो कि रानिया से निर्दलीय विधायक हैं तो साथ ही हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं और कहीं ना कहीं अब उनको अपने टिकट पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि रणजीत चौटाला की जुबान पर अब गोपाल कांडा का ही जिक्र देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं गोपाल कांडा को खुला चैलेंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर रणजीत चौटाला ने छाती ठोक कर यह दावा कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि वो रानिया से फिर चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनको भरोसा भी है कि बीजेपी उनको टिकट देने वाली है। इसके अलावा क्या कुछ रणजीत चौटाला ने कहा है एक बार सुन लीजिए, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मोदी जी गए थे, मैं उस सभा में था, महेंद्रगढ़ की सभा में, तो कह के गए थे कि हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेली बीजेपी लड़ेगी। अब तक तो वही बात है, अब हालोपा वाले क्या कह रहे हैं वो जाने। हमें अभी तक कोई पार्टी में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हालोपा के साथ है। अकेली पार्टी जीतने के सत्य में जरूरत ही नहीं गठबंधन की, एक या दो सीट के कोई समझौते होते हैं कि एक आध को वो कहा जाता है, एक आध को कोई देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो वो कोई समझौता नहीं है। समझौता तो पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं, हम इस पे करेंगे समझौता, तो होता है एनडीए का है, यूपीए का है, वो समझौते हैं। इंडिया का कह दें आप, मैं रानिया से लड़ूंगा जी, आपको पहले भी कह दिया, फिर क्लियर कर रहा हूँ, अगली बार के लिए फिर कह रहा हूँ रानिया से लड़ूंगा, मुझे पार्टी वहां से चुनाव लड़ाएगी। और मैं ये समझता हूँ, 3 महीने पहले मैं जब लोकसभा के लिए क्वालिफाई कर रहा हूँ तो विधानसभा के लिए भी कर ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुना आपने रणजीत चौटाला को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो रानिया से इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे और इस बार निर्दलीय नहीं बल्कि भाजपा पार्टी उनको अपने टिकट पर चुनाव लड़वाएगी। उन्होंने पूरा विश्वास और भरोसा जता दिया। साथ ही उन्होंने उदाहरण दिया कि कई नेता, कई लोग यह भी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में रणजीत चौटाला का कहीं नजदीक नंबर ही नहीं पड़ने वाला, कहीं नजदीक ही नहीं ठहरते, लेकिन 3 महीने पहले हमने ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे और टिकट भी मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आखिर में टिकट भी मिली, हालांकि वो चुनाव नहीं जीते, वो बात अलग है। लेकिन अब रणजीत चौटाला ने ऐलान कर दिया कि वो रानिया से निश्चित ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपने वर्करों को भी लामबंद करना, एकजुट करना शुरू कर दिया है। लेकिन वही दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला को यह भय भी सता रहा है कि गोपाल कांडा कहीं ना कहीं उनकी टिकट पर बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, बड़ा खतरा उनकी टिकट के लिए बन सकते हैं, क्योंकि हाल ही में नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर थे, उस समय उन्होंने जब गोपाल कांडा से उनके निवास पर बाबा तारा कुटिया में मुलाकात की, तो उसके बाद से ही हरियाणा के सियासी गलियारों में हलचल मच गई कि अब कहीं ना कहीं गोपाल कांडा, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी और कुछ सीटों की डिमांड भी रखी थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नायब सैनी ने उस आग में घी डालने का काम कर दिया। जब नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा से मिले तो उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारों ने यह पक्का कर दिया कि इस बार बीजेपी कुछ बदलाव के मूड में नजर जरूर आ रही है, क्योंकि भाजपा जो 2019 के चुनाव में एक भी सीट सिरसा जिले में नहीं जीत पाई थी, तब उनको कहीं ना कहीं तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सिरसा जिले में और आसपास के नजदीक लगते क्षेत्र के लिए एक सहारा मात्र के रूप में गोपाल कांडा और उनकी पार्टी हालोपा नजर आ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं गोपाल कांडा की पार्टी को अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा रानिया हलके से प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पहली पसंद रानिया सीट ही है। तो कहीं ना कहीं अब यहां पर पेच फंसता है कि अगर गोपाल कांडा और नायब सिंह सैनी के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन होता है बीजेपी और हालोपा पार्टी, जो कि नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला की टिकट कटना लगभग
तय है रणजीत चौटाला की टिकट निश्चित ही कट सकती है और यह सीट जो है हलोपा के खाते में जा सकती है। हालांकि यह अभी मात्र चर्चाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला का अभी से अपनी टिकट का डर सताना शुरू हो चुका है। रणजीत चौटाला ने अभी से ये बातें कहना शुरू कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे और बीजेपी भी उनको टिकट देगी। हालांकि सिर्फ दावेदारी और ऐलान ही नहीं किया, बल्कि रणजीत चौटाला ने गोपाल कांडा को भी चैलेंज कर दिया, गोपाल कांडा को भी खरी खोटी सुना दी। रणजीत चौटाला का यह कहना कि गठबंधन तो कई सीटों पर और कई जो है नियमों के तहत होता है, अगर एक दो सीटें ही देनी है तो उसको गठबंधन नहीं बोलते बल्कि वो एडजस्टमेंट होती है, और कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला ने इस बात के माध्यम से गोपाल कांडा के ऊपर तंज कस दिया, गोपाल कांडा को खरी खोटी सुना दी, नीचा दिखा दिया। और कहीं ना कहीं अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी और हलोपा पार्टी का यह अलायंस कहीं ना कहीं वास्तव में ही कुछ दम दिखा पाएगा, वास्तव में ही धरातल पर उतर पाएगा, या फिर अभी जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं मात्र चर्चा बनकर ही रह जाएंगी, वो चर्चाएं केवल बात बनकर ही रह जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला ने बीजेपी को यह याद जरूर दिलवा दिया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महेंद्रगढ़ पहुंचे थे तो उस समय उन्होंने रैली से यह ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव में भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं भाजपा अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, बीजेपी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यह जो है बात नायब सिंह सैनी और भाजपा के नेताओं को रणजीत चौटाला ने याद दिला दी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी रणजीत चौटाला को लोकसभा चुनाव में हार के बाद रानिया से मौका देगी या फिर रानिया की सीट जो है हलोपा पार्टी के खाते में जा सकती है, यह फिलहाल एक दिलचस्प और बड़ा सवाल बना हुआ है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है, चुनाव के गर्भ में छिपा है। अब जो जो चुनाव की तारीख नजदीक आएगी त्यों त्यों सिरसा जिले के और बीजेपी हलोपा पार्टी के गठबंधन की चर्चाओं के पत्ते खुलते जाएंगे, परत दरत परत जो है खुलासा होता जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय है, क्या वास्तव में भाजपा रणजीत चौटाला पर लोकसभा चुनाव के बाद फिर भरोसा जताएगी, या फिर यह सीट बीजेपी और हलोपा पार्टी का एचएलपी पार्टी का जो गठबंधन होगा तो उसके तहत हलोपा पार्टी के कांडा बरदस के खाते में चली जाएगी, क्या आपकी राय है, अपनी राय कॉमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।